जी डोज को सर डोज वन को और नोटबुक है ना इसको थोड़ा सा मेरी तरफ को लाइट मम्मी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग इफ आई एम विजिबल इफ आई एम ऑडिबल इफ एवरीथिंग इज ओके देन काइंडली सेंड मी थम्स अप अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे थम्स अप भेजो वे स्टार्ट करते हैं पलविंदर गुड इवनिंग
आई एम वेटिंग फॉर यू. मीनू जी, अगर पिक्चर ठीक है, आवाज ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो मुझे थम्स अप भेजो. व्हाट्सएप से थम्स अप भेजो. ठीक है मीनू जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बस आ गए सब बच्चे. गुरशपिंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के बहुत ही बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं. सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं. कल हमने डिस्कस किया था डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, फिर हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको कंपेयर किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये डिस्कस किया हमने. दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर आज हम आगे बढ़ेंगे फेडरलिज्म की तरफ. फेडरलिज्म क्या होता है, देखिए कल हमने जाना अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, देश का सबसे बड़ा कानून, पूरा देश संविधान से चलता है. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के तीन अंग बनाता है, जैसे जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये हम समझ चुके हैं. लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाएगी हमारे लिए, कानून बनाने वाली बॉडी यानी पार्लियामेंट. इसके दो हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, क्या करेगी, लॉ बनाएगी. लॉ बनाएगी, लॉ तो हमने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. यस, कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉ है, पर ध्यान रहे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है. ये मोटा मोटा बताता है कि देश कैसे चलेगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा,
जुडिशरी की, जजेस की क्या पावर्स होंगी, सेंटर क्या काम करेगा, स्टेट्स क्या काम करेंगे, पर रोड के लेफ्ट साइड में चलना है या राइट साइड में चलना है ये संविधान में नहीं लिखा है। इसके लिए संविधान ने ही एक और बॉडी बनाई लेजिस्लेचर, उसको पावर्स दी कि लेजिस्लेचर तू छोटे छोटे बारीक बारीक कानून बनाना, लेकिन ध्यान रहे लेजिस्लेचर तूने जो भी काम करना है वो संविधान के अनुसार करना है, संविधान के दायरे में रह के करना है, इन कन्फॉर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन करना है, नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जाना है। इसीलिए लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। और अगर लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी, अगर लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, तो फिर जुडिशरी यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलेगी कि ऐसा कानून जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर तूने पास किया है, ऐसा कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड, नल, खोखला, इनवैलिड, किसी काम का नहीं है, इलीगल है, उसको हटा दिया जाए। कौन बोलेगा? जुडिशरी। क्या कर रही है जुडिशरी? संविधान की मर्यादा को बचा के रखती है। अगर जुडिशरी ना होती तो पार्लियामेंट तो ऐसे कानून बना देती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता। कैसे? एग्जाम्पल, संविधान आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में बराबरी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। सेक्स के आधार पे नो भेदभाव, लड़का लड़की नो भेदभाव। और लेजिस्लेचर अगर लॉ बना दे कि अब से सिर्फ लड़कियां मोटरसाइकिल चलाएंगी, लड़के नहीं चलाएंगे, चलेगा ये कानून? वैलिड है? जायज है? ना, गलत है, इनइक्वालिटी लेके आ रहा है, सबको मालूम है ये गलत है। लेकिन डिक्लेयर कौन करेगा, कौन बताएगा? ये बताएगा हमें जुडिशरी कि ऐसा कानून हमारे देश में नहीं चलेगा जो संविधान के अगेंस्ट जाता हो। और जुडिशरी ऐसा जब करती है, जिस पावर का इस्तेमाल करती है, उसे कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हमने जाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीन अंग बनाता है, तीनों अंगों को अलग अलग काम बांट दिया गया। लेजिस्लेचर ने सिर्फ लॉ बनाया और इसका काम खत्म। ये लोकसभा राज्यसभा, इसके अंदर मेंबर्स, लोकसभा में 543 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स, काम क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। कानून बना के ये आगे एग्जीक्यूटिव को सौंप देंगे। एग्जीक्यूटिव उस कानून को एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। एग्जीक्यूटिव हेड हमारे देश में कौन होता है? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति नाम के हेड होते हैं, असली हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री अकेले पूरा देश नहीं संभाल पाते। प्रधानमंत्री चाइना को संभालेंगे, पाकिस्तान को संभालेंगे, हमारी एजुकेशन संभालेंगे, रिसोर्सेज संभालेंगे, अमेरिका से बातचीत करेंगे, कश्मीर मसला देखेंगे, नक्सलवाद देखेंगे, देश के अंदर आपसी सर्विसमैन हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। कितने कितने प्रॉब्लम्स, मसले देश के अंदर होते हैं, ऊपर सैटेलाइट छोड़ना है वो भी देखना पड़ेगा, तो सारे काम एक आदमी नहीं कर पाता। इसलिए प्रधानमंत्री अपनी एक टीम बनाते हैं और उन्हें काम सौंप देते हैं। डिफेंस तुम संभालो, फाइनेंस तुम संभालो, एजुकेशन तुम संभालो, सैटेलाइट तुम संभालो, स्पोर्ट्स तुम संभालो, इस तरह से काम बांट दिया जाता है। लेकिन उस टीम के हेड, लीडर हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के नीचे ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के नीचे छोटे ऑफिसर, छोटे के नीचे छोटा, छोटा छोटा थानेदार, थानेदार से छोटा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से छोटा कांस्टेबल। कांस्टेबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव।
ये जो कांस्टेबल है रोड पे खड़ा है, आपकी गाड़ी रोकता है, जब आप बेल्ट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं लगाते, तो आपका चालान काटना चाहता है। जैसे ही आपकी गाड़ी रोकी जाती है, आप पहली बात उनसे ये पूछते हो, भाई साहब, सर, कौन सा ऑफेंस किया है, कौन सा कानून तोड़ा है? वो कहता है, देखिए देखिए देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन फलाना फलाना कहता है कि आपको हेलमेट पहनना है, बेल्ट पहनना है, और आपने वो नहीं पहना है, इसलिए कानून के अनुसार आपको इतना फाइन देना पड़ेगा। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। तो पहले कानून होना जरूरी है, जरूरी है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर जुडिशरी देखेगी कि कहीं आपने गलत कानून तो नहीं बना दिया लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव देखेगी कहीं इम्प्लीमेंटेशन गलत तो नहीं हो गई। और जुडिशरी दो चीजें देखती है, पहला, लेजिस्लेचर ने कानून ठीक बनाया हो, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंटेशन ठीक की हो। इस तरह से तीनों अंग, तीनों ऑर्गन अपने अपने दायरे में अपना अपना काम करते हैं। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। पुराने जमाने में ये सारी शक्तियां एक राजा के हाथ में होती थी, राजा राज करते थे, महाराज ही कानून बनाते थे, महाराज ने कानून बनाया, आज से रात को मेरे राज्य में रात 10 बजे के बाद कोई जलेबी खाएगा उसकी जीभ काट ली जाएगी, महाराज ने कानून बनाया। तो लेजिस्लेचर कौन हुआ? महाराज। रात को भाला लेके ढूंढ रहे हैं महाराज के लोग, कौन जलेबी खा रहा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? महाराज के लोग, यानी महाराज। जलेबी खाता पकड़ा गया, सुबह पकड़ के किसके पास लाए? महाराज के। न्याय करो महाराज, जलेबी खा रहा था। अब जुडिशरी कौन हुआ? महाराज। तीनों काम महाराज, सारी पावर महाराज के हाथ में। और एक कहावत है लॉर्ड एक्टन की, एक स्टेटमेंट है, पावर पार करप्ट्स, पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति दिमाग खराब करती है, और पूरी शक्ति पूरा दिमाग खराब करती है। पूरा दिमाग खराब ना हो, इसलिए एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया, द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। उन्होंने बोला कि सभी शक्तियां एक ही हाथ में क्यों रखते हो, ये लेजिस्लेचर को अलग करो, ये सिर्फ कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करे और जुडिशरी एडजुडिकेट करे। और ये तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी बना के रखें, एक दूसरे को कंट्रोल भी करें। हमारे देश में भी ऐसा होता है, आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है, जजेस को भी लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर को जुडिशरी कंट्रोल करती है, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बना के रखते हैं। फिर कल हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके तीन ब्रॉड फीचर्स होते हैं, तीन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। रिवाइज करवाता हूं आपको, क्या होते हैं फीचर्स, सोच के देखो आप। नंबर वन, जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे इंडिया में, वहां हेड ऑफ स्टेट